बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। मेरी मंजिलें मेरे करीब हैं, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर डर नहीं मिला। उस माँ के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने की बात। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। संबंध आत्मा से हो तो दिल नहीं भरा करते। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले
अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो। जलील न किया करो किसी फकीर को ए दोस्त, वो भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हर वक्त हद से ज्यादा रुलाता है वो, हम सपने में भी जिसको रोने नहीं देते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन बैठिए वहां जहां अपनेपन का एहसास हो। कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लो, लेकिन जब कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी औकात ही भूल जाए। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कीजिए। दर्द होता है ये देखकर, तेरे पास सबके लिए वक्त है बस मुझे छोड़कर। दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई और हम एतबार करके गुनाहगार हो गए। दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, फिर देखना तू भी एक सिकंदर है। जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। मैं तुझसे नहीं तेरे वक्त से नाराज हूं, जो कभी तुझे मिला ही नहीं मेरे लिए। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। प्यार करो उसे जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करे। गलती ये हुई हमसे कि उसे जान से ज्यादा चाहने लगे। क्या पता था मेरी इतनी परवाह उसे लापरवाह कर देगी। उसकी कदर करने में कभी देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है।